चलिए अब हम लोग यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर टू में आ गए। इलस्ट्रेशन नंबर टू में क्या दे रखा हुआ है और सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है इसका, तो यहाँ पे देख लीजिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट। तो हम लोग को यहाँ पे जॉब कॉस्ट शीट, जो स्पेसिफिक जॉब है उसके लिए कॉस्ट शीट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे बोला कैलकुलेट द इंटायर रिवाइज कॉस्ट यूजिंग 2020 एक्चुअल फिगर एज अ बेसिस बेसिस। उसके बाद यहाँ पे बोला कि एड 20% टू द टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 20% हम लोग को प्रॉफिट में ऐड करना है जिससे यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो ये हम लोग को बताना है। और यहाँ पे हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ, तो यहाँ पे बोला अ शॉप फ्लोर सुपरविजन ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंट द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर द जॉब नंबर 303। तो हम लोग के पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ वो जॉब नंबर 303 का दे रखा हुआ है टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, जिससे हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे बनाना है सेलिंग प्राइस, हम लोग को डिटरमाइन करना है। इसमें सबसे पहला जो दे रखा हुआ वो मटेरियल का कॉस्ट दे रखा हुआ है जो 70 है, और यहाँ पे फिर डायरेक्ट वेजेस जो 18 आवर का दे रखा हुआ है 2.5 करके, जो हम लोग के पास कितना दे रखा है 45 का, जिसमें डिपार्टमेंट एक्स में यहाँ पे 8 आवर था, डिपार्टमेंट जो वाई था उसमें 6 आवर, और डिपार्टमेंट जेड में जो था वो कितना आवर था, सिर्फ और सिर्फ 4 आवर। तो अगर देखा जाए तो 8 + 6 + 4 कितना हो गया, तो ये 18 आवर यहाँ पे हो चुका है। फिर यहाँ पे चार्जेबल एक्सपेंस में बोला कि यहाँ पे ₹5 है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट में जो यहाँ पे ऐड करने बोला वो बोला 33 1/3 ऑन एक्सपेंस कॉस्ट। ये कितना हो जाता है एक्सपेंस कॉस्ट, तो 120 का 33.3333%, तो ये 40 आ गया। मतलब ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है ऑन कॉस्ट का 33.33%। तो 1/3 ऑन अगर कॉस्ट होता है तो यहाँ पे 1/4 ऑन क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब 1/4 का मतलब कितना हो गया, तो यहाँ पे 100 / जब हम लोग 4 करेंगे तो ये आ गया 25%। तो यहाँ पे प्रॉफिट में भी दिया 25%। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अभी तक हम लोग के पास जॉब नंबर 303 का इन्फॉर्मेशन है, जिसमें यहाँ पे मटेरियल दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे चार्जेबल एक्सपेंस है, और यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस का दे रखा हुआ है। आगे नीचे हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे बोला कि एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2020। तो 2020 का हम लोग के पास एनालिसिस दे रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें यहाँ पे मटेरियल दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दे रखा हुआ है 30,000, जहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स का यहाँ पे 10,000, डिपार्टमेंट वाई का 12,000, और यहाँ पे डिपार्टमेंट जेड का यहाँ पे 8,000 का दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे स्पेशल स्टोर आइटम दे रखा हुआ है जो 4,000 का, फिर यहाँ पे ओवरहेड में बोला कि 5,000, फिर 9,000, और यहाँ पे 2,000, फिर हम लोग के पास यहाँ पे वर्क कॉस्ट आ गया, और इस टाइम में था सेल में से रिटर्न माइनस करने के बाद। फिर इसमें हम लोग के पास एक सेलिंग एक्सपेंस है, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ गया उसके बाद, तो हम लोग के पास आ गया प्रॉफिट। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और इसमें क्या बोला, इट इज ऑल्सो नोट दैट एवरेज आवरली रेट ऑफ द थ्री डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड आर सिमिलर। मतलब जो भी एक्स वाई जेड का रेट होने वाला है, एवरेज आवरली रेट यहाँ पे सिमिलर तीनों में ही दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया, और इस सम्स में हम लोग को क्या निकालना है कि जो स्पेसिफिक जॉब था उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, वो हम लोग को सम्स में रिक्वायर्ड है। देख लीजिए रिक्वायर्ड है। अब हम लोग कॉपी में आ जाएंगे बनाने के लिए, बट एक बार आप लोग उससे पहले फॉर्मेट देख लीजिए बुक का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जॉब कॉस्ट शीट हम लोग को बनाना है, यहाँ पे कस्टमर का डिटेल हो जाता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट हो जाता है, जॉब नंबर हो जाता है, डेट ऑफ कंप्लीशन हो जाता है, जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में देखे थे इससे पहले, कि जो जॉब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता था वो फॉर्मेट लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी मटेरियल था, उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे वेजेस था, चार्जेबल एक्सपेंस था, ये सब ऐड करने के बाद, फिर जहाँ पे ओवरहेड का हो गया ये सब हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग को ऐड करने के बाद जो भी आ जाएगा वो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद जो भी वर्क कॉस्ट हो गया, इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस भी इसमें दे रखा होता था, सेलिंग एक्सपेंस भी हम लोग दे देंगे, और उसके बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सेल प्राइस आ जाएगा। बस हम लोग को कॉपी में अभी बनाना है, तो आज ये कॉपी में बनाते हैं। कौन सा सम्स है, इलस्ट्रेशन नंबर टू कॉपी में आ जाए आप लोग। उससे पहले अगर आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहीं पे आप लोग को बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है, तो ये समझ सब्सक्राइब कर लीजिए कॉमर्स स्टडी हब। ठीक है, टेलीग्राम तो आप लोग ज्वाइन करना ही है, यहीं पे आप लोग को नोट्स जहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो मिलेगा, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो आप लोग जुड़ जाओगे टेलीग्राम में। और इंस्टाग्राम में तो पर्सनल मैसेज करना चाहते हो, पर्सनल कुछ भी बात करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो पर्सनल टच, तो ये आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। मोबाइल ऐप पे आप लोग देख रहे होगे EduHub 3 पे, अगर यही iOS यूज रहोगे तो क्लास प्लस, जहाँ पे कोड यूज़ करना होगा VQVY, और लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए ये रहा जहाँ से आप लोग क्लासेस परचेज कर सकते हो, क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, और ये रहा वेबसाइट, और ये सब सोशल मीडिया का लिंक रहा जहाँ पे आप लोग आराम से जुड़ सकते हो। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर यूट्यूब पे देख रहे होगे तो, और मोबाइल ऐप में देख रहे होगा तो जाइए यूट्यूब पे, आप लोग को अबाउट सेक्शन में सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, या PDF ये जो डाउनलोड करेंगे तो इसमें भी आप लोग को सारा का सारा मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में।
चलिए स्टार्ट करते हैं जॉब कॉस्ट शीट से। सबसे पहले हम लोग के पास मटेरियल दे रखा हुआ है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, जो कितना है मटेरियल का, मैं इसमें एक्सपेंस 70 था, तो यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल में जिसका अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 70। फिर यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दे रखा हुआ, तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। जिसमें डायरेक्ट वेजेस में हम लोग के पास दे रखा हुआ डिपार्टमेंट एक्स का, डिपार्टमेंट वाई का और यहाँ पे डिपार्टमेंट जेड का, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और यहाँ पे डिपार्टमेंट जेड, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो डिपार्टमेंट एक्स में कितना आवर देख रखा हुआ है, तो यहाँ पे 8 आवर, डिपार्टमेंट वाई में 6 और यहाँ पे 4, तो 8, 6 एंड 4। और इसका रेट कितना दे रखा हुआ, तो रेट हम लोग के पास 2.5 दे करके दे रखा हुआ, तो इनटू हम लोग करेंगे 2.5, फिर यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 2.5 और लास्ट में भी हम लोग करेंगे 2.5, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा पेजेस में, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 × 2.5, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 20, फिर 6 × 2.5, तो ये हम लोग के पास आ गया 15, फिर यहाँ पे 4 × 2.5, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 10 आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया। फिर इसके बाद हम लोग के पास सम्स में और क्या दे रखा था, तो यहाँ पे चार्जेबल एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ दे रखा था, यहाँ पे चले लिखते हैं चार्जेबल एक्सपेंस, जो कितना दे रखा हुआ हम लोग के पास, तो ये दे रखा हुआ चार्जेबल एक्सपेंस 5। टोटल कर लीजिए कितना होता है, 70 + 20 + 15 + 10 + 5, ये हम लोग के पास जो आ गया यहाँ तक में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं 120 आ गया, और इसे हम लोग बोलते हैं टाइम कॉस्ट। ये हम लोग के पास आ चुका है, जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था जॉब नंबर 303 के हिसाब से इन्फॉर्मेशन, वो हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ था इसके हिसाब से आप कितना होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले मटेरियल यूज का तो हम लोग लिख चुके हैं, फिर यहाँ पे वेजेस का भी लिख चुके हैं, और उसके बाद जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था क्या चार्जेबल एक्सपेंस, तो उसे भी हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए ये वाली पॉइंट पढ़िए, इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आवरली रेट फॉर द 3 डिपार्टमेंट ऑफ एक्स वाई जेड आर सिमिलर, तो तीनों डिपार्टमेंट का यहाँ पे सिमिलर दे रखा हुआ था एवरेज, जो भी दे रखा हुआ था आवरली रेट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास ओवरहेड के लिए भी इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, जहाँ पे ओवरहेड हम लोग के पास दे रखा हुआ है डिपार्टमेंट एक्स के लिए 5000, डिपार्टमेंट वाई के लिए यहाँ पे दे रखा हुआ है 9000 और डिपार्टमेंट जेड के लिए यहाँ पे हम लोग के पास 2000 दे रखा हुआ है। और ओवरहेड को हम लोग इससे पहले जब भी हम लोग करते थे सम्स करते थे इससे पहले वाले चैप्टर में, तो ओवरहेड को हम लोग किस चीज़ पे कंसीडर करते थे, तो ओवरहेड को हम लोग हमेशा डायरेक्ट वेजेस पे कंसीडर करते थे, तो जो भी यहाँ पे ओवरहेड होगा उसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस पे कंसीडर करने वाले हैं। इस टाइम में भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस पे जितना भी ओवरहेड है उसे हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे ओवरहेड को निकालना है ओवरहेड का। तो यहाँ पे देखिए अगर लिखते हैं यहाँ पे ओवरहेड, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स के लिए एक्स में, तो देखिए ओवरहेड डिपार्टमेंट एक्स का कितना देखा 5000, और यहाँ पे जो वेजेस का से अगर हम लोग इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5000 डिवाइड बाय हम लोग को करना होगा 10000, तो 5000 डिवाइड बाय 10000 अगर इंटू 100 करते हैं तो हम लोग के पास कितना परसेंट आ जाता था, तो यहाँ पे 5 / 10 × 100, तो इसका मतलब कितना आ गया 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ओवरहेड जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं ओवरहेड को, तो उसे हम लोग डायरेक्ट बेसिस के वेजेस के बेस पे हम लोग कंसीडर करते हैं। अब सम्स में हम लोग के पास जो ओवरहेड दे रखा हुआ है 5000 डिपार्टमेंट एक्स का, और डिपार्टमेंट एक्स का जब यहाँ पे हम लोग देखें वेजेस, तो हम लोग के पास प्रपोर्शन जो आया जो परसेंटेज पे हम लोग के पास आया कि यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस का 50% यहाँ पे ओवरहेड है, या ओवरहेड जो है वो जो ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस का 50% है, तो ये हम लोग को यहाँ पे समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग के पास डायरेक्ट वेजेस जो दे रखा हुआ है जो डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्स का वो कितना दे रखा हुआ, तो ये हम लोग के पास 20 दे रखा हुआ है, तो 20 का 50% कितना होगा, तो 10 होगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास डिपार्टमेंट एक्स के लिए जो आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। ये कैसे हुआ, तो 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस दैट इज 50% इंटू जो दे रखा हुआ है 20, तो उसका हम लोग कर दिए। फिर इस तरह से यहाँ पर डिपार्टमेंट वाई का निकालेंगे, तो डिपार्टमेंट वाई का निकालते हैं, तो डिपार्टमेंट वाई में हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग के पास ओवर हेड जो दे रखा हुआ है ये 9000, और यहाँ पे जब हम लोग डायरेक्ट वेजेस से कंपेयर करेंगे तो ये हम लोग के पास 12000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9000 डिवाइड बाई 12000, और इसका हम लोग 100 कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो 9 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पे लिखेंगे 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कितना दे रखा है डिपार्टमेंट वाई का 15 दे रखा हुआ है, इसके हिसाब से जो जॉब दे रखा हुआ उसके हिसाब से, तो यहाँ पे 15 का हम लोग 75%
करने वाले हैं, तो जो कितना हो जाएगा, तो 15 का 75% ये हम लोग के पास आ गया 11.25, तो ये हम लोग के पास ओवरहेड का आ गया। फिर इसी तरह से डिपार्टमेंट हम लोग वाई था, तो उसके बाद हम लोग जेड का करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट जेड का, तो जेड के हिसाब से यहाँ पे दे रखा हुआ 2000 और यहाँ पे बाय 8000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 डिवाइड बाय 8000 इनटू 100, तो ये हम लोग के पास कितना परसेंट आ जाएगा, तो 2/8, तो ये आ गया 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो 25% इनटू डायरेक्ट वेजेस दे रखा हुआ है जेड डिपार्टमेंट का 10, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा, तो 10 का 20% कितना हो गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 2.5। तो यहाँ तक तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, देखिए अभी तक में पहले हम लोग को लिखे मटेरियल कॉस्ट, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर चार्जेबल एक्सपेंस जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था जॉब के हिसाब से, फिर यहाँ पे ओवरहेड हम लोग लिखे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओवरहेड को हम लोग हमेशा जैसे कंसीडर करते हैं कि डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ओवरहेड को लिख चुके हैं, तो ओवरहेड हो गया। अब यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस एक हम लोग के पास दे रखा है जो कितना दे रखा है 20%, और सेलिंग एक्सपेंस को हम लोग हमेशा वर्क कॉस्ट पे कंसीडर करते हैं। किस चीज़ पे कंसीडर करते हैं सेलिंग एक्सपेंस को, वर्क कॉस्ट पे कंसीडर करते हैं। तो चलिए हम लोग सेलिंग एक्सपेंस को देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग एक्सपेंस, पहले ये टोटल निकाल लेते हैं, ये टोटल करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले टोटल कर लेते हैं, तो ये हम लोग के पास आ गया वर्क कॉस्ट। देखिए जो भी हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट होता था उसमें हम लोग ओवर हेड ऐड करते थे, तो हम लोग के पास क्या आता था, वर्क कॉस्ट आता था ना, तो यही हम लोग के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 120 प्लस 10 प्लस 11.25 प्लस 2.5, तो ये हम लोग के पास आ गया 143.75, ये हम लोग के पास क्या आ गया वर्क कॉस्ट। और हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एक्सपेंस होता है उसे वर्क कॉस्ट पे कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे चले लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसे हम लोग को कंसीडर किस चीज़ पे करना है, वर्क कॉस्ट पे। यहाँ पे हम लोग के पास वर्क कॉस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 20,000 डिवाइड बाई 2,20,000 डिवाइड बाई हम लोग करेंगे 2,00,000 इंटू 100, तो ये हम लोग के पास कितना परसेंट आ गया, तो ये आ गया 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। और यहाँ पे जो हम लोग अगर इस सम्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 143.75 का 10% हम लोग निकालेंगे, जो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, ये आ गया 14.38 राउंडिंग ऑफ करने के बाद, तो ये हम लोग के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया जो 14.38। अब हम लोग इसे ऐड कर देंगे तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 158.13, जो कि हम लोग के पास आ गया टोटल कॉस्ट, ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट। और प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या बोला है यहाँ पे सम्स में, ये प्रॉफिट को कंसीडर करना है एट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, 20% ऑन टोटल कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट पे 20% हम लोग को प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट जो होगा 20% कॉस्ट पे, दैट इज 158.13 पे होगा 20%, तो इसका 20% हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो आ जाएगा हम लोग के पास कितना 31.63। फिर हम लोग इसे ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो कितना आ गया इस केस में, तो हम लोग के पास आ गया 189.76 जो हम लोग के पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। और इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट हो गया, बट एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और नोटिंग भी करवाता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखना है। तो देखिए एक बार के लिए समझ लें, मेटेरियल कॉस्ट जो भी हम लोग के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक था वो जॉब के हिसाब से, जॉब कार्ड जो हम लोग के पास दे रखा था उसके हिसाब से ले दिए थे। इसके बाद हम लोग ओवरहेड को कंसिडर किए थे, प्लस में यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस था उसे हम लोग कंसिडर किए थे, किससे, तो उसे हम लोग कंसिडर किए थे जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस, उससे ओवरहेड को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस का बेस दिए, और जो हम लोग के पास सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था उसे हम लोग यहाँ पे वर्क कॉस्ट का बेस दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिए कॉपी के बुक के ऊपर में, जो सम्स यहाँ पे दे रखा था उसके ऊपर में कहीं पे भी लिख लीजिए कि ओवरहेड को कंसीडर करना हम लोग को डायरेक्ट वेजेस पे, रिवीजन करने टाइम में बहुत ही आप लोग को हेल्प मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग ये चीज लिख लीजिए ओवरहेड को कंसीडर करना है डायरेक्ट वेजेस पे, और उसके बाद हम लोग को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करना है, किस चीज पे हम लोग को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसे हम लोग को कंसीडर करना है वर्क कॉस्ट पे। ये बहुत ही आप लोग को हेल्प मिलेगा रिविजन करने टाइम में, तो इसे बिल्कुल भी लिखना छोड़िए नहीं, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में नहीं लिखिए, बुक के ऊपर में लिखिए, पेंसिल से लिखिए या पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग के पास जो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।